अस्सलाम वालेकुम, सुनती कानों और देखती आंखों को खुदार पीर इब्राहिम से जानसेब का सबास हो जी जी। या तो अस्सलाम वालेकुम कहते हैं या सुनती आंखें कहते हैं। तुमने मेरा डायलॉग चुरा लिया है। सॉरी सर। ये कहानी है क्लास की, एक ऐसी क्लास जो किसी कमरे में नहीं बल्कि पहाड़ों के दरमियान और सितारों के नीचे होने वाली है। सुबह के 7 बज रहे हैं और मेरा बैग रेडी है और मैं जा रहा हूँ खुशदार, और इस क्लास को अटेंड करने के लिए मुझे करना है 400 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र। और सफ़र शुरू करने से पहले नाश्ता तो बनता है, और नाश्ता हम करेंगे किसी होटल में नहीं, किसी रेस्टोरेंट में नहीं, बल्कि करेंगे पेट्रोल पंप पे। जी हाँ, पेट्रोल पंप पे। यार अभी मैं पहुँचा हूँ यहाँ पर, मेरा एक दोस्त है पंप पे काम करता है, उमेर भाई। अभी उमेर भाई और मैं करेंगे नाश्ता, फिर उमेर भाई मुझे देंगे ड्रॉप बस स्टॉप पे, फिर मैं वहाँ से आगे निकलूँगा। भाई पेट्रोल बढ़ेगा या इतने पे रुकेगा? सारी लेवल ऊपर जाएगा ये, अभी आपका ये 250 तक जाएगा। मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ पेट्रोल 210 रुपये का है, लेकिन जब मैं अपलोड करूँगा मुझे नहीं पता कि कितने का होगा। वैसे तो सफ़र मेरा शुरू हुआ क्वेटा से, लेकिन ये कहानी शुरू होती है खुशदार से, तो असल कहानी अब शुरू होती है। सो फाइनली आई एम एट खुशदार। खुशदार में पहुंच गया हूँ। खुशदार तक का जो पार्ट था वो इतना इंटरेस्टिंग नहीं था, ना ही उसका कोई ख़ास सेंस बनता था, लेकिन अभी खुशदार से आगे का जो भी पार्ट है, जो भी सीन्स है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। कपड़े भी चेंज कर ले, क्योंकि शहजाद भाई ने कहा था कि आपने ड्रेस कोड आपका होगा कि आपने जीन्स के साथ टी शर्ट पहननी है। बाकी दोस्त पहुँच रहे हैं कराची से, मैं खुशदार पहुँच गया हूँ। आगे एक 0 पॉइंट है, वहाँ पे उन्होंने वो मेरा वेट करेंगे, अभी तक नहीं पहुँचे हैं। और दोस्त आ रहा है, वो मुझे आगे तक ड्रॉप देगा, फिर वहाँ से फिर इंशाल्लाह एक साथ। शहजाद भाई से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि अभी हम लोग काफ़ी दूर, उन्होंने लाइव लोकेशन मुझे भेजी थी, तो अभी मैं हूँ अपने उसके साथ, आबिद भाई मेरे साथ है, मुझे आगे वो ड्रॉप देंगे 0 पॉइंट तक। तो जब तक वो पहुँचते हैं, हमने कहा कि गर्मी का तोड़ मैंगो शेक इंजॉय करते हैं, उसके बाद फिर चलेंगे 0 पॉइंट पे, जाम पे बाकी टीम के साथ इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अच्छा, जिस पॉइंट का मुझे बताया था शहजाद भाई ने, मैं वहाँ पे पहुँचा, उसके बाद दोस्तों से मुलाकात हुई, क्योंकि मैं वहाँ से अकेला निकला था, दाऊद नहीं आया था मेरे साथ, उसको आखिरी टाइम पे कुछ कमिटमेंट्स हो गई थी। बट ऐसे फिर ऐसे मौके में ये फ़ायदा होता है, आपको नए दोस्त बनाने का मौका मिलता है। तो अभी लंच टाइम है, दाल चावल ट्राई कर रहे हैं, और साथ में है मेरे द वेरी फेमस इलियास लावश, एंड उनके साथ हैं समीर भाई। तो अभी लंच करेंगे, उसके बाद फिर शायद निकले, शायद नहीं पक्का ही निकलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुका है। ग्रुप्स की सूरत में सारे लड़के, सारे बल्कि बंदे गाड़ियों में सवार हो रहे हैं। हमारे ग्रुप में मैं हूँ, इलियास है, राशिद है, समीर है, बाबा है, और बालाज भाई, बालाज इनका नाम कैसे भूल सकते हैं। तो अभी बस सामान और बंदे लोड हो रहे हैं, फिर निकलेंगे आगे। तकरीबन 4 बज गए हैं, थोड़ा सा लेट हैं, उम्मीद है कि सनसेट से पहले पहुंच जाए अपने पॉइंट। टूर पे निकलने से पहले भाई इलियास भाई दस्तारबंदी कर रहे हैं बाबा का, आज से बाबा हमारे सरदार है भाई। सुनाइश के चला करना ही मसला, माँ काम का मजा कर देगा, माँ काम का एग्जिजरेट कर देगा, एग्जिजरेट कर देगा। हमारा ना 6 लोग थे हमारे। थ्री इडियट्स मूवी में वायरस ने कहा था ना कि रिमेंबर लाइफ इज अ रेस, अगर तेज़ नहीं भागोगे तो कुचल दिए जाओगे। तो खैर, हमने भी लगाई रेस। रोड को लो, जल्दी हमें दूसरे को पकड़ना है।
पहुंच सके सनसेट पे, लेकिन खैर सनसेट पे तो नहीं पहुंच सके, लेकिन क्या हुआ, आगे रात तो अपनी ही है ना। सो यार वी आर एट पीर इब्राहिम, पहुंच गए हैं तकरीब मगरिब का टाइम हो गया है। थोड़ा सा पहले आ जाते तो ज़्यादा अच्छा था, सनसेट देख लेते, लेकिन खैर इंशाल्लाह सनराइज देखेंगे। अभी रोड पे रहे कि यहीं पे कैंप करेंगे, पानी थोड़ा आगे है जहाँ पे जो मेन वाटरफॉल है तो वो जाके देखेंगे, लेकिन पहुँच गए अपने डेस्टिनेशन पर, तो अभी कैंपिंग करते हैं फिर रात की तैयारी। तो अब तक आप लोग सोच रहे हो कि यार ये कौन सी क्लास है और यहाँ कैसे होने वाली है और यहाँ क्यों होने वाली है, तो बताते हैं भाई, बताते हैं। ये क्लास है एस्ट्रो फोटोग्राफी की, यानी सितारों की तस्वीर कशी, और वो तो रात में ही हो सकती है, और रात भी ऐसी हो कि बिल्कुल गप अंधेरा हो और कहीं से और किसी भी चीज़ की रोशनी ना आ रही हो, तब हो सकती है ये फोटोग्राफी। तो इसी के लिए हम आए हैं, और ये क्लास ले रहे हैं कौन, अपने शहजाद भाई, शहजाद मोहम्मद अली, हमारे एस्ट्रो फोटोग्राफर। खैर थ्योरी क्लास तो हो गई, इसके बाद था प्रैक्टिकल, और प्रैक्टिकल करने के लिए हमें बिल्कुल सख्ती से मना किया था शहजाद भाई ने कि नो लाइट्स नथिंग, जस्ट यू एंड योर कैमरा एंड फोटोग्राफी ऑफ स्टार्स। ये शाम का फ्रेम है ना, ये शाम का फ्रेम है ना, वो वाला बाकी अभी ये कैमरा वहीं लगा, तो खैर रात काफ़ी हो गई है, आप लोग भी आराम करें, मैं भी थोड़ा सा आराम करता हूँ, फिर सुबह मुलाकात होगी पीर इब्राहिम पे। पीर इब्राहिम की एक शानदार सुबह, अस्सलामुअलैकुम, रात बहुत अच्छा गुजरा, एस्ट्रो फोटोग्राफी की सुबह उठे हैं, फ्रेश हुए हैं, अभी नाश्ते की तैयारी, फिर इंशाल्लाह बैक टू पवेलियन। तो पीछे कैमरे के पीछे इलियास भाई, इनसे बहुत काम लिया, उनके लिए माजरत। ये हमारा नाश्ता, ये कैसा नाश्ता है मलिक बाबा, कैसा नाश्ता है ये? पता नहीं है, नहीं, कल रात की चाय अच्छी थी यार, सुबह की सुबह का नाश्ता माना एक ही है। रात को तो आप लोगों ने देख ली कि हमने आसमान में मौजूद सितारों की तस्वीर कशी की और उनसे मुलाकात हुई, लेकिन एक सितारा और है जिससे मिलने के लिए मैं स्पेशली आया था इस ट्रिप पे, वो कौन है उनसे मिलाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, सुनती कानों और देखती आंखों को खुशदार पीर इब्राहिम से जहाँ का जी जी, या तो अस्सलाम वालेकुम कहते हैं या सुनती आंखों कहते हैं, तुमने मेरा डायलॉग चुरा लिया है। सॉरी सर, ये वासिफ भाई है सर, थैंक यू फॉर कमिंग इन माय व्लॉग, कोई मसला नहीं, और मैं यहाँ पे स्पेशली आपके लिए हूँ, टू बी ऑनेस्ट, आप पूछ सकते हैं शहजाद भाई नुश्की से स्पेशली, थैंक यू, और आप इनवाइटेड है नुश्की, जरूर आप इंशाल्लाह जरूर, बाकी बात अच्छा से शूट करवाना है इंशाल्लाह, आप कर रहे हैं सर, थैंक यू सर। सो वी हैव अ स्पेशल गेस्ट ऑल द वे फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, एंड वी विल आस्क हर अबाउट आवर एक्सपीरियंस इन बलूचिस्तान, स्पेशली अबाउट द पीर इब्राहिम। सो सारा वेलकम टू माई व्लॉग, and tell me about your experience in Balochistan, especially about the Peer Ibrahim. Balochistan is a very beautiful place, it's very untamed and wild, and it's very different from other provinces in Pakistan. Mm-hmm. And I love Balochistan, I think it's a very beautiful place. Peer Ibrahim is the first like jail I've been to in Balochistan. Mm-hmm. Okay. It's very clean, like very so pretty yeah. and clean. So you are like impressed from the landscape of Balochistan? Ji bilkul. Okay. Oh, mashallah, mashallah. Yeah. Huh? Okay, one last question, random question. Your favorite Aussie cricketer, if you are into cricket? I'm actually not so much of a cricket fan, but I think like Shane Warne. Shane Warne, the now legend. He yeah, he passed away. He was legend. Very okay, sad. Thank you. Thank you and, so much. And we always welcome you to explore Balochistan and especially Pakistan. So
थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस जर्नी. थैंक यू. अच्छा मैं आपको उस शख्स से मिलाना भूल गया जिन्होंने सारा इस मास्टर प्लान के पीछे जिनका हाथ है, जो एस्ट्रो फोटोग्राफी और पीर इब्राहिम. तो शहजाद भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर ये दो जो वंडरफुल चीज़ें आप लोगों ने हमें एक्सप्लोर कराई, एस्ट्रो फोटोग्राफी एंड अबाउट पीर इब्राहिम. थैंक यू सो मच जानी, आप आए हमारे इस वर्कशॉप में. And I just want to share my experience, my knowledge with everyone, all around world. कोई भी मुझसे कोई चीज़ सीखना चाहता है तो मैं क्या करता हूँ, एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता हूँ. Exactly. एक लोगों को इकट्ठे करता हूँ एक जगह पे. और कोई नई जगह हो तो उसको एक्सप्लोर कर सकें. जब हम नई जगह एक्सप्लोर करेंगे तो वहाँ के लोकल्स को भी उसका बेनिफिट होगा, फ़ायदा होगा. बिल्कुल. लेकिन सबसे ज़रूरी बात, जिस जगह पे जाएँ उसको साफ रखें, जाते हुए सारा कचरा उठाएं. जैसे आप इस वीडियो में भी देखेंगे कुछ क्लिप्स के जहाँ पे ये सारी सफाई होगी, सारा कचरा हमने एक जगह इकट्ठे किया, उसको जलाएंगे या वापस अपने साथ ले जाएंगे, लेकिन कचरा नहीं छोड़ना है. कचरा नहीं. सो मैसेज फ्रॉम दिस व्लॉग इज के जहाँ पर भी आप जाएं एक्सप्लोर करें खूबसूरती को, लेकिन खूबसूरती को खराब नहीं करना, खराब नहीं, उसको ऐसे ही मेंटेन रखना है. थैंक यू सर. थैंक यू.